हेलो स्टूडेंट्स क्लास एट गुड मॉर्निंग टुडे वी हैव गिवन टू जी के वर्कशीट आज हम आपको जी के वर्कशीट दे रहे हैं ये आपको अपने नोटबुक में करनी है इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे इसमें से आपको ये अपनी नोटबुक में करके उसका पिक हमको हमारे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करेंगे तो आपका जी में जो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट उसका नाम है राष्ट्रपति भवन प्रेजिडेंट हाउस तो देखिए इस प्रेजिडें राष्ट्रपति भवन होता क्या है क्या है ये प्रेसिडेंट हाउस प्रेसिडेंट हाउस की अगर हम बताएं तो ये प्रेसिडेंट हाउस इज द बिल्डिंग वेयर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री लिव जहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं जो भी हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वो इस भवन में रहेगा तो इसलिए इसको राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है ये जो हमारा हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हाउस है सबसे फर्स्ट नंबर पे आप आता है इटली का इटली के जो प्रेसिडेंट हाउस है उसका नाम है उसको बोलते हैं क्यूरिनल पैलेस तो जो क्यूरिनल पैलेस है इटली के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ रहते हैं और हमारे देश का जो प्रेजिडेंट है वो इस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जो ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है तो इसका कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन हमको दिए गए हैं तो ये हम करेंगे हु वाज द फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट डिज़ाइन द प्रेजिडेंट हाउस तो सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन ही ये पूछा गया है कि जो ये हमारे देश का राष्ट्रपति भवन है ये किसने डिज़ाइन किया था तो वो ब्रिटिश के एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था उनका नाम था एडविन लुटियंस क्या नाम था एडविन लुटियंस तो वो ब्रिटिश के अंग्रेज थे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये डिजाइन किया था तो इनका नाम था एडविन लुटियंस सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया वैन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट हाउस बिगिन जो हमारे देश का प्रेसिडेंट हाउस है राष्ट्रपति भवन है वो कब बनना शुरू हुआ था तो कब बनना शुरू हुआ था 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और इसको बनने में कितने साल लगे थे थर्ड क्वेश्चन अब पूछा है इन हाउ मेनी मैनीयर्स वाज द बिल्डिंग कंप्लीटेड कितने साल में पूरा हुआ तो सेवनटीन ईयर्स सत्रह साल लगे थे इसको बनने में यानी कि नाइनटीन में ये कम्प्लीट हुआ था तो नाइनटीन में शुरू हुआ था नाइन साल लगे थे सेवनटीन ईयर्स को इसको कम्प्लीट होने में इसको हम राष्ट्रपति भवन जो है इसको हम हमारा देश जब आज़ाद हो गया था 1947 में उसके बाद हम इसको प्रेसिडेंट हाउस बोलने लगे थे लेकिन जब ये बना था 1912 में तब हमारे यहाँ अंग्रेज हम पे शासन करते थे अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो उस समय राष्ट्रपति नहीं होते थे प्रेसिडेंट नहीं होते थे उस समय वाइस राय होते थे तो इसलिए इसको वाइस राय कहा जाता था तो जो व, आ, अगर आ, हम कोई पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति भवन में रहे थे तो राष्ट्रपति तो पहले कौन थे हमारे देश के इंडिपेंडेंट इंडिया में यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अगर इनसे तो पहले प्रेजिडेंट कोई पूछेगा तो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस राष्ट्रपति भवन में रहे थे लेकिन कोई पहला व्यक्ति जो इस प्रेसिडेंट हाउस में रहा था तो सी राजा गोपालचारी थे ये हमारे पहले वाइस राय थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे सी राजा गोपालचारी इसलिए ये सबसे पहले गवर्नर जनरल थे जो इस प्रेसिडेंट हाउस में रहे थे तो वो पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वो पहले इंडियन कौन थे जिन्हों जो प्रेसिडेंट हाउस में रहे थे तो कौन थे सी राजा गोपालचार्य अभी मैंने आपको बताया कि अब ये राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता क्योंकि अब हमारे देश में प्रेजिडेंट होते हैं लेकिन आजादी से पहले प्रेसिडेंट नहीं होती था। होते थे कौन होते थे वाइस राय ऑफ इंडिया तो उस समय प्रेसिडेंट हाउस किसके लिए बना था वाइस राय ऑफ इंडिया के लिए बना था सिक्स में इस राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गार्डन है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के फूल हैं फ्लावर्स हैं जो केवल और केवल लोगों के लिए पब्लिक के लिए कौन से महीने में खुलता है फेबररी में हर साल फेबररी के मंथ में खुलता है जहाँ पर पब्लिक कोई भी व्यक्ति अंदर जाकर इसमें इन फूलों को देख सकता है इस गार्डन में घूम सकता है तो उस गार्डन का क्या नाम है मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है सेवन द ह्यूज डोम ह्यूज डोम का मतलब गुम्मद जो राष्ट्रपति भवन है वो किसकी तरह दिखाई देता है कौन से एनशियट इंडियन मॉन्यूमेंट की तरह दिखाई देता है तो एक सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में जो अशोका ने बनवाया था जो कि बुद्ध जो बौद्ध लोग होते हैं उनके उनका धार्मिक स्थल है तो जो राष्ट्रपति भवन हम हमारा बनाया गया था वो इस सांची स्तूप की तरह ही बनाया गया था जो इसके डोम डोम मतलब गुम्बद है वो सांची स्तूप स्तूप की जैसे ही बनाई गई है तो वो पूछ रहा है कि कौन से ह्यूज डोम कौन से बड़े गुम्मत का की तरह स्ट्रक्चर जो प्रेजिडेंट हाउस का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो कौन से गुम्मत से लिया गया है वो सांची स्तूप से लिया गया है ये मध्य प्रदेश में सांची स्तूप और अशोका ने बनवाया था क्वेश्चन नंबर एट हाउ मेनी रूम्स आर देर इन प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट हाउस में कितने रूम, है? तो 340 रूम हैं तो थ्री फोर्टी रूम्स हैं जिसमें इनके स्टाफ मेंबर भी इसमें रहते हैं और प्रेजिडेंट हाउस में अलग अलग ऑफ जो प्रेजिडेंट के जो ऑफिस हैं और जो स्टाफ मेंबर हैं वो सब सारे रूम्स मिला के कितने टोटल रूम हैं थ्री हंड्रेड फोर्टी रूम्स इस प्रेजिडेंट हाउस में हैं नाइन्थ क्वेश्चन बाय व्हाट नेम वाज द राष्ट्रपति भवन नॉन प्रायर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया भारत की आज़ादी से पहले राष्ट्रपति भवन को क्या बोला जाता था क्या बोला जाता था वाइस राय हाउस क्योंकि उस समय वाइस राय होते थे तो वाइस राय हाउस इसको बोला जाता था और ये बनाया भी किस लिए गया था वाइस राय ऑफ इंडिया जो भारत के वाइस राय होते थे उनके लिए बनाया गया था पहले भारतीय कौन थे जिनको ये मिला था तो सी राजा गोपालचार्य थे पहले राष्ट्रपति पूछेगा कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्वेश्चन नंबर टेन ऑन द टॉप ऑफ विच हिल इज द प्रेजिडेंट हाउस सिचुएटेड ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है एक हिल है उसके टॉप पे बना हुआ है ये प्रेजिडेंट हाउस तो उस पहाड़ी का क्या नाम है राइसीना हिल्स क्या नाम है रायसीना हिल्स तो ये आपको ये टेन क्वेश्चन है जो आपको अपनी कॉपी में करनी है इसकी पी अभी आपको हम सेंड कर देंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे